वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया लाइव चैंपियंस। सो आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं सोशल फार्मेसी के चैप्टर वन के पार्ट थ्री के बारे में। ऑलरेडी पार्ट वन पार्ट टू हम देख चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं जाकर देखा तो फार्मेसी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर, फार्मेसी इंडिया लाइव के यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखें और अपने बेसिक्स को करें और भी मजबूत। सो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या टॉपिक, सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका दिया गया है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है और नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारी इंडिया में कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है डी फार्मा के एस्पेक्ट्स में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के बारे में बात करेंगे, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के बारे में बात करेंगे। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है दैट व्हाट इज नेशनल हेल्थ पॉलिसी, तो आप ये डिफाइन करेंगे, एंड व्हाट इज नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया, तो आप 2002 का भी जिक्र कर सकते हैं, 17 का भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के बारे में बात की गई है तो इंडिया की नेशनल हेल्थ पॉलिसी को हम डिफाइन करेंगे। तो अब यहां पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी आखिरकार क्या है, देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी दिमाग में पहला ही वर्ड आपको संकेत दे रहा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी की, कुछ ऐसी पॉलिसीज जो कि हमारी हमारी देश की जनता को हेल्दी बनाने में मदद करे, डिजीज फ्री कंडीशंस हो, इलाज मिल पाए, वो हमारी पॉलिसी के तहत आता होगा, ये हमें वर्ड ये दर्शा रहा है। तो चलिए अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए हेल्थ पॉलिसी को कैसे डिफाइन करते हैं, हेल्थ पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज द डिसीजन प्लान एंड एक्शन दैट आर अंडरटेकन टू अचीव स्पेसिफिक हेल्थ केयर ऑब्जेक्टिव विद इन अ सोसाइटी। हेल्थ पॉलिसी को डिफाइन किया गया कि कुछ डिसीजन, कुछ प्लान्स और कुछ एक्शंस लिए गए अपने अपनी देश की जनता को हेल्दी रखने के लिए, हेल्दी हेल्थ केयर बनाने के लिए सोसाइटी का, तो उसको हेल्थ पॉलिसी बोला गया। दिस मे कवर, दे मे कवर, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हो सकती है, या हमारा जो प्रोडक्ट है, जो दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसके अंदर आ सकता है। तो मैं यहां पर क्लियर करूंगा, दे मे कवर फाइनेंसिंग मतलब पैसा, पी फॉर पैसा, याद रखिएगा, एक्सेस टू केयर, क्वालिटी ऑफ केयर एंड हेल्थ इंक्वायरी, ठीक है, हेल्थ इक्विटी मतलब इंपॉर्टेंस मिल सके। अब आगे मैं बात करूं यहां पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी मतलब इंडिया में क्या है, सीधी सी बात, इंडिया ने मेरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत 1982 से लेकर 2002 तक कुछ हेल्थ पॉलिसीज को लागू किया और उसके बाद भी किया, उनके बारे में भी बात करेंगे। उनका इंडिया में क्या प्रोस्पेक्टिव है, सबसे पहला था पॉलिसी ले स्ट्रेस ऑन प्रिवेंटिव प्रमोटिव पब्लिक हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर, मतलब कोई बीमारी है उसकी रोकथाम, कोई किसी चीज को प्रमोट करना है उसको प्रमोट करना है, पब्लिक हेल्थ को बचाना है मतलब हेल्थी रखना है, और रिहैबिलिटेशन का मतलब जैसे किसी को शराब की लत लग जाना उसके बारे में उसको प्रमोट करना कि भाई इसके तबियत खराब हो जाएगा, सर लीवर डैमेज हो जाएगा, उन सब चीज के बारे में बताना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो नेशनल पॉलिसी है इंडिया में उन्होंने किन किन पॉइंट्स पर ध्यान रखा, पॉलिसी स्ट्रेस का मतलब टेंशन नहीं है, उन्होंने उस पर दबाव रखा, द नीड ऑफ एस्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब कि क्या क्या जरूरतें हैं एक प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस को बनाने के लिए। मैं एग्जांपल देता हूं, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में, अगर मैं बात करूं मोहल्ला क्लिनिक इज योर प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, मतलब पहली चिकित्सा मिलने वाली आपको सबसे पहले आपके आसपास, दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, अगर तबियत ज्यादा खराब है, अगर कुछ इश्यू है तो वो हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 1983 एंड इट इट्स गोल एक्सेस टू प्राइमरी एवरीवन इन इंडिया बाय द ईयर ऑफ 2000, मतलब पहला जो हेल्थ पॉलिसी आया था वो 1983 में आया था, और उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव रखा था, उनका क्या गोल था, क्या एम था कि भाई 2000 तक हमें एक ऐसा हेल्थ पॉलिसी चाहिए कि हर देश की हर एक आदमी प्राइमरी हेल्थ केयर पा सके, ठीक है, मतलब उसको इलाज मिल सके सबसे पहले तो, ठीक है। अब यहां पर 2002 की बात करें, एनएचपी 2002 की, ठीक है, इंडियन प्रोस्पेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव है 2002 वाले का, अचीविंग एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ गुड हेल्थ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, मतलब एक अच्छी सेहत मिल सके हमारी देश की जनता को। दूसरा, डिसेंट्रलाइजिंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम बाय अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ मिल सके, सीधी सी बात है कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर इलाज होगा तो एम्स होगा,
अगर इलाज होगा तो आरएमएल होगा, नहीं इलाज होगा तो मुंबई होगा, नहीं प्राइमरी हेल्थ केयर दे दो। मतलब अगर कोई छोटी बीमारी है तो आपको उसको छोटे उस पे इंस्टीट्यूशन में, जैसे एमबीबीएस के इंस्टीट्यूशन है वहां पर कॉलेज बना दिया, वहां पर एक वो बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। नेक्स्ट, एंश्योरिंग अ मोर इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ सर्विस अक्रॉस द सोशल जियोग्राफिकल एक्सटेंस ऑफ इंडिया। मतलब हर जियोग्राफिकल एरिया में, हर कोने में इंडिया के ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। टू फोकस ऑन एम्फसाइजिंग रेशनल यूज, मतलब दवाई का सही इस्तेमाल हो सके, ठीक है। टू एनहेंस अप्रोचेस ऑफ ट्रायड सिस्टम टू ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, मेनली ट्रेडिशनल सिस्टम्स को याद रखिएगा, यूज कर सको, एलोपैथिक भी यूज कर सको, मतलब इंसान सही हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के बारे में, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 हमारा मेनली अब हर इंसान तक पहुंच चुका, जो हेल्थ पॉलिसी है 2017 वो हर इंसान तक, क्योंकि 1983 से शुरू हुई थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी, तो 2017 तक हमारा यहाँ पर। अब इसका जो मेन उद्देश्य है कि आपने बीमारी से तो बचा लिया, अब कुपोषित ना रह पाए कोई। कुपोषित मतलब उसको न्यूट्रिशन, उसको इन चीजों की कमी ना हो, वेलनेस, ठीक है, मतलब अब हेल्दी रहे सब, ठीक है। इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड डिलीवरिंग क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल एट अफोर्डेबल कॉस्ट। मतलब अब मैं बात करूं न्यूट्रिशनल, हम च्यवनप्राश क्यों खाते हैं, हम थक जाते हैं, टायर्डनेस हो जाती है, तो वो आपकी हेल्थ को इंप्रूव कर रहा है, डिजीज से नहीं बचा रहा है, हेल्थ को इंप्रूव कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके बारे में बात करें। टू इन्फॉर्म, क्लेरिफाई एंड स्ट्रेंथ द एंड प्रायोरिटाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन शेपिंग हेल्थ सिस्टम्स, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट के क्या क्या रोल रहे हैं आपके हेल्थ केयर को सुधारने में, जैसे कि डायमेंशन, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, जो डिजीज है उनको प्रिवेंशन, प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ, मतलब अवेयरनेस कैंपेन लगा दिया कि भाई स्वस्थ रहो, ऐसे स्वस्थ रहा जा सकता है, ठीक है। दूसरा, टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट, पैसा बढ़ा दिया 1.4% से लेकर 2.4% GDP का पूरा, मतलब 2.5% तक इन्वेस्ट करने लगे कि हेल्थ केयर में सही रहे सब, ठीक है। टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करा दी 2017 के तहत, ठीक है। टू प्रोवाइड केयर फॉर मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनके लिए भी उन्होंने दवाइयां देनी शुरू कर दी, उनके लिए भी केयर करना शुरू कर दिया। नॉन कम्युनिकेबल में कैसे होता है, डायबिटीज, जो कि आपके उससे ना फैले, कम्युनिकेबल कौन सी है, कोविड हो गया, ठीक है, और आपका एचआईवी हो गया, ठीक है, ब्लड बॉर्न डिजीज हो गई, वो कम्युनिकेबल मतलब फैल सके, शेयर हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल में डायबिटीज, अब छूने से डायबिटीज थोड़ी ना होता, वरना तो पूरी दुनिया डायबिटीज होती, डायबिटिक होती नहीं ना, ठीक है। टू प्रोवाइड रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स इंडेक्स टू बर्डन डिजीज एंड इट्स मेजर कैटेगरीज ट्रेंड्स बाय 2022। अगर डिजीज है तो उसको पहले ही डिटेक्ट कर लो और उसका उस पर काम करना शुरू कर दो, ठीक है। टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर्स टू इंप्रूव अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब हर एक चीज का अवेलेबिलिटी हो, अगर तबीयत खराब है तो भाई उसको दवाई दिलाई जाए, अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट है तो वहां पर इंस्ट्रूमेंट भी कराया जाए, ठीक है। टू रिड्यूस TFR, ठीक है, टू रिड्यूस MR ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है, मोर्टी जो मॉर्बिडिटी रेट मैं कह रहा था वो बताया था आपको, ठीक है, मतलब 5 साल, तो ये जो ये है इनको घटाया जाए, ठीक है। इनका 2017 का एम ये है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर अब प्रिंसिपल्स क्या क्या है मेनली 2017 के, प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी, एथिक्स, ऐसा ना हो कि भाई भेदभाव हो रहा है, ठीक है, इक्विटी, सब में समानता हो, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी, सब अफोर्ड कर सकें, ठीक है, यूनिवर्सलिटी, ठीक है, और जो पेशेंट सेंटर्ड है, क्वालिटी है, क्वालिटी प्रोवाइड करा सकें, अकाउंटेबिलिटी हो, इंक्लूसिव पार्टनरशिप हो, अच्छे से हो, प्लुरलिज्म ना हो, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन हो, ठीक है, एंड डायनेमिक्स एंड एक्टिवनेस होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं किसके, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के 2017 के। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो भी क्लियर हुआ होगा। सो जल्दी ही मिलते हैं पार्ट 4 के साथ अपने सोशल फार्मेसी के सब्जेक्ट में, और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द ही आपको पूरे सिलेबस की वीडियोस यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव एंड फेस इट, फाइट इट, अचीव इट विद फार्मेसी इंडिया। डरने की है क्या बात, जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ। थैंक यू।